के नशीनों का पुरसा दे लीजिए। मैं तो आज सोचता रहता था कि करबला में क्या कैफियत हुई होगी शैतान की, रह रह करके भूख से उठती रहती, किस मुसीबत में होंगी। बहरहाल दोस्तों, तसव्वुर शर्त है। सलाम खाके नशीनों के सोगवारों का, सलाम खाके नशीनों के सोगवारों का। Yeah.
इतनी हरी भरी खेती थी आपका हुसैन की ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजली। अरे तुम्हारी मान भी उजली है, गोद भी उजली, नहीं लाइनों में इंसान मुझे ज
ज्ञान से प्यारा Yeah.
Thank you.
आसिमों अली अकबर हबीब अपने इमाम की खिदमत में फौज अश्किया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये रसूल का नवासा है, ये अली मुर्तज़ा का बेटा है, ये तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा है। अब इस दोस्त की आवाज़ करबला के मक्तल में गुम हो चुकी है, न ज़ुहैर है, न मुस्लिम है, ना अब्बास है, ना अली अकबर। बस हमारा और आपका मज़लूम इमाम है। खैमे में बीबियां मुस्तरिब और बेचैन, मौला ने जहां बीबियों को बिठा दिया है, अपने अपने खैमों में सारी बीवियां बैठी। हुसैन को जैसे किसी बात का इंतजार है। एक मर्तबा हुसैन आहिस्ता आहिस्ता खैमे की तरफ बढ़े। ज़ैनब की नजर अपने भाई के चेहरे पर, इसलिए कि ज़ैनब को अपनी माँ की वसीयतें याद आ रही हैं। असर का हंगाम है, बस सूरज ढलने वाला है। हुसैन को अब जल्दी, ऐसा लगता है कि अपनी मालिक की बारगाह में पहुंचना ही चाहते हैं। ज़ैनब ने कहा, भैया ज़रा खैमे में आइए। इमाम खैमे में आए, कहा, भैया आपसे सिर्फ एक गुजारिश। कहा, बहन को क्या है? कहा, भैया आप खैमे में आ जाइए, बीबी आखिरी बार आपको हसरत से देख और हम आपको अलविदा कहना चाहते हैं। हुसैन खैमे के अंदर आए, बीवियों ने हलका बना लिए, इमाम हलके के अंदर है, एक एक बीबी के ऊपर इमाम की नजर है। हसरत व याद से बीवियों को देख रहे हैं और ज़ेर लब दुआ कर रहे हैं, शायद कह रहे हैं, परवरदिगारा मेरी शहादत के बाद इन बीवियों का आसरा ए मेरे मालिक, तेरे अलावा इन बीवियों का अब कोई सहारा नहीं। हुसैन हलके के अंदर है, बीवियां देख रही, कभी रबाब, कभी उम्मे फरवा, कभी उम्मे कुलसूम, कभी रुकैया, कभी ज़ैनब, कभी सकीना। इमाम ने देखा कि बीबियां बहुत मुस्तरिब हैं, इस तरह ये विदा करने वाली नहीं, बहन करके रो रही। एक मर्तबा इमाम ने अमामा उतारा, अपने हाथों पे बुलंद किया, ज़ेर आसमान परवरदिगारा तू हमारे फिराक में इन्हें सब दे दे। कुछ नहीं है, जाकर
की सवारी, फिर इसके बाद ये हुसैन तेरी पुश पर सवार न होगा। बाबा पा घोड़ा आगे न बढ़ा, मगर एक मर्तबा सर को जमीन की तरफ झुका दिया। इमाम ने नीचे देखा, जो देखा तो अजीब मंजर था। चार साल की सकीना घोड़े के सुमो से लिपटी हुई थी। मुझे यकीन
देखा।